ना मैदा, ना चीनी, ना घी, ना मक्खन और ना ही बेसन। इन सब के बिना भी सिर्फ दो चीजों से आज जो लड्डू मैं बनाऊंगी, इससे पहले शायद आपने इस तरीके से लड्डू कभी नहीं बनाई होगी। और ये टेस्टी मुंह में घुल जाने वाली कैरामेल लड्डू बनेगा बिल्कुल बिना किसी मेहनत के। तो मैंने यहाँ पे ये 400 ग्राम की कंडेंस मिल्क का कंटेनर ली है। ये अमूल की है, आप चाहे तो दूसरे कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं। और ये ऊपर वाला प्लास्टिक का ढक्कन को हटा देंगे और ये सील को अभी हम खोलेंगे नहीं, ये सील समेत हम इसे बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी को अच्छे से गर्म कर ली है। अब इस कंटेनर को इस पानी में डाल देंगे और ये पूरा डूब जाए, इतना पानी हमें यहाँ पे चाहिए। अब ढक्कन को बंद करके पूरे 2 घंटे हम इसे लो फ्लेम पर उबाल लेंगे। ये देखिए पानी काफी कम हो चुकी है, तो फ्लेम को अभी ऑफ कर देंगे और इस कंटेनर को हम पानी से निकाल लेंगे और इसे ऐसे ही पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ही हम इसका सील ओपन करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 200 ग्राम न्यूट्री चॉइस शुगर फ्री बिस्किट ली है। यहाँ पे करीबन 24 बिस्किट है, आप दूसरे कोई भी शुगर फ्री बिस्किट ले सकते हैं। तो ये सारे बिस्किट को ऐसे तोड़ के इस मिक्सी के जार में डाल देंगे। आप चाहे तो थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। तो आप ढक्कन को बंद करेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए बिस्किट का चूरा मेरा बन चुका है और ये बिल्कुल स्मूथ पाउडर जैसा है। तो अब इसमें से करीबन 2 चम्मच चूरा निकाल लेंगे। इससे हम लड्डू को कोटिंग करेंगे और ये बाकी के चूरा इस बोल में निकाल लेंगे। और इधर ये कंडेंस मिल्क की कंटेनर भी पूरा ठंडा हो चुका है, तो अब इसके सील को ओपन करेंगे। और ये देखिए कितनी आसानी से कंडेंस मिल्क का एकदम बढ़िया सा कैरामेल बन चुका है। तो अब करीबन 2 चम्मच भर के कैरामेल को इस बिस्किट के चूरे में डालेंगे और चम्मच से पहले अच्छे से मिला लेंगे। पहले ही एक साथ बहुत ज्यादा कैरामेल आप इसमें मत डाल देना, क्योंकि अगर कैरामेल चूरा से ज्यादा हो जाएगा तो इसका सही बाइंडिंग नहीं होगा और आप इससे कभी लड्डू नहीं बना पाएंगे। तो सिर्फ 2 चम्मच कैरामेल से ही देखिए मेरे यहाँ पे सारे बिस्किट बाइंड होना शुरू हो चुकी है। तो अब इसमें और कैरामेल हम नहीं डालेंगे, बस इसे हाथों से अच्छे से मसलते हुए मिला लेंगे। और एक चीज का आप ध्यान रखना, कंडेंस मिल्क का कंटेनर पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही आप इसका सील ओपन करना, उससे पहले नहीं। ये देखिए मिक्सचर में बाइंडिंग आ चुकी है। तो आप थोड़ा सा ऐसे मिक्सचर हाथों में लेके इसे टाइटली बांध लेंगे और फिर दोनों हाथों से ऐसे घुमा घुमा के गोल कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये लड्डू तैयार हुई है। तो अब इसे ये बिस्किट के पाउडर से कोट करेंगे। आप चाहे तो बिस्किट की बजाय नारियल की बुरादे से भी इसे कोट कर सकते हैं। तो अब इसे प्लेट में रख देंगे। ये देखिए दोस्तों बिना कोई मेहनत के कितने बढ़िया और अनोखी लड्डू बना है। और ये देखिए लड्डू कितना ज्यादा सॉफ्ट है। तो अब ऐसे ही बाकी के लड्डू को भी बना लेंगे। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।